क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियनिटी में जो सेक्स है वो बाइनरी देखा जाता है, यानी मेल एंड फीमेल। और क्रिश्चियनिटी में देखा जाए तो एक ट्रांसजेंडर, यानी जो अपने जेंडर को ना मेल आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना फीमेल आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसे ट्रांसजेंडर्स को क्रिमिनैलिटी माना जाता है, क्रिमिनल माना जाता है, इवन अगेंस्ट द रिलीजन माना जाता है। जबकि अगर आप हिंदुज्म देखेंगे तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, चाहे वात्स्यायन कामसूत्र लिखी हो या आप कोई भी हमारी एंशियंट ट्रीटीज देखेंगे, उसमें ट्रांसजेंडर्स को भी उतना ही मान सम्मान हमारे समाज में दिया गया है। लेकिन जब से ब्रिटिशर्स आए तो वो अपने साथ बाइनरी नेचर ऑफ सेक्स लेके आए कि सेक्स दो ही हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल। जबकि अभी रिसेंट रिसर्च भी हुई है, इंक्लूडिंग इन मैनी एनिमल्स, कि एनिमल्स में भी सेक्स ट्रांसजेंडर हो सकता है, नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो इन एनिमल्स। तो बात यह है कि हमारी इंडिया में, क्योंकि हम अंग्रेजों के कानून से आते हैं और अंग्रेजों की सिंपल सी बात है जो वाइट्स मैन बर्डन है, अंग्रेज जैसी टोपी पहनता है, अंग्रेज जैसे कपड़े पहनता है, जैसे पतलून पहनता है, ठीक है, मेरी पतलून भी इंग्लिश, मेरी टोपी भी इंग्लिश, तो हम उसे फॉलो करता हूँ। मॉडर्निटी के नाम पर हम वेस्टर्निटी को फॉलो करते हैं, कौन उर्फी जावेद कह रहा, यस द सेम, तो हम मॉडर्निटी के नाम पर वेस्टर्निटी को फॉलो करते हैं। बस हमारे लिए मॉडर्निटी का मतलब है जो गोरे कर रहे हैं, हमारे वो कॉमन सेंस और लॉजिक से कोई मतलब नहीं है, जो गोरे कर रहे हैं वो हमारे लिए मॉडर्निटी है। तो है क्या, हमें बहुत दिनों से, पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स के समय के बाद, जब आईपीसी आई, इंडियन पीनल कोड आया, और उसमें एक सेक्शन डाला गया सेक्शन 377, तब से हमारे यहाँ जो ट्रांसजेंडर्स हैं और पूरी इन कम्युनिटी को एलजीबीटी कहते हैं, यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और जेंडर इन क्वेश्चन यानी क्यूई, इन कैटेगरी को आफ्टर ब्रिटिशर्स, अगर ये कम्युनिटी पाई जाए और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में पाई जाए, जो सेक्शन 377 आईपीसी का कहता है कि अगर ये कोई भी कम्युनिटी सेक्स करती पाई जाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो देखा जाए तो बहुत दिन तक इनके राइट्स वायलेट रहे हैं, इनके राइट्स का कोई कहने वाला नहीं रहा है। वैसे भी देखा जाए हमारा इंडिया समाज आज के ऐसा हो गया है कि पर्टिकुलर इस कम्युनिटी को ना वो समाज में पसंद करता है, ना इन्हें नौकरी देता है। आपने देखा होगा मोस्टली ये क्या करते हैं, कार के पास आकर आपसे भीख मांगने का ज़्यादातर काम करते हैं, मोस्टली इनके पास कोई काम बसता नहीं है। तो मोस्टली कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि इन्हें देखा जाए तो सोशली प्रताड़ित किया गया है, इसे कहते हैं सोशल असॉल्ट। तो समाज ने सोशल असॉल्ट किया है इन लोगों को, ना इन्हें कोई नौकरी देता। अभी हम ही अपने इंस्टीट्यूट में अगर मान लो एक एलजीबीटी कम्युनिटी को नौकरी दे तो आधा परिवार तो वैसे एडमिशन नहीं ले, कहेगा कौन बैठा दी है आपने, और यहाँ के राव साहब, हाँ बतेरी बैठा दी तुमने करिए खत्म। तो बात यह है, समाज में एक तो सोशलाइजेशन की जरूरत है, इनसेंसिटाइजेशन की जरूरत है अबाउट दीज राइट, एज वेल एज सोशल रिकॉग्निशन की जरूरत है। यू विल सरप्राइज टू नो, पहली बार इन कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज ही 2014 के बाद करा गया, यानी लीगल रिकॉग्निशन, पहले इनका लीगल रिकॉग्निशन ही नहीं था। यानी इन्हें फॉर्म भरना है तो इनके आधार अगर पूछा जाएगा तो आधार पे खाली मेल और फीमेल हो सकता है, तो ये क्या भरेंगे, इनकी वह आइडेंटिटी ही नहीं है। वोटर आईडी कार्ड नहीं होता था, आधार आईडी कार्ड नहीं होता था, पासपोर्ट तो बहुत बड़ी बात है, जो बीपीएल कार्ड होते थे वो नहीं हो पाते थे इनके। और यू विल सरप्राइज टू नो 2014 में एक जजमेंट आया नालसा का, सुप्रीम कोर्ट का केस है नालसा केस, दैट इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी,
जो गरीबों को, जो आपने सुना होगा, जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो गरीब हैं, उन्हें फ्री लीगल एड पहुंचाती है, यानी फ्री में उन्हें वकील करके देती है। उनके वकालत के जितने भी उनके पैसे लगते हैं, ये नालसा देती है, एक अथॉरिटी है, एक प्राधिकरण है। तो नालसा का ही एक केस था और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इस एलजीबीटी कम्युनिटी को थर्ड जेंडर माना है। राउंड द सेंचुरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ है और किसी कम्युनिटी को राइट्स उसके 2014। सीरीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और फर्दर बात कराया जाए 1950 से 2014 तक, तो इनके कौन कौन से राइट वायलेट हुए। सबसे पहले आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नजर में हर कोई इक्वल है। और इक्वालिटी बिफोर लॉ में वो लिखता है एवरी पर्सन, वो जेंडर नहीं लिखता, मेल फीमेल नहीं लिखता, वो क्या लिख रहा है, एवरी पर्सन। और एवरी पर्सन में खाली मेल और फीमेल नहीं आते हैं, अदर्स भी आते हैं जिनका जेंडर वो ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग हो सकता है। तो आर्टिकल 14 उनका वायलेट था। फर्दर स्टेट ने उन्हें तो बेसिस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेट करा, आर्टिकल 15 क्लॉज 2, समाज ने उन्हें डिस्क्रिमिनेट करा। आर्टिकल 16, स्टेट एम्प्लॉयमेंट उन्हें नहीं मिल पाता था, सरकारी जॉब नहीं मिल पाती थी क्योंकि उनका जेंडर आइडेंटिफाइड नहीं था। आप क्या डालेंगे यूपीएससी में उस समय 2014 से पहले, मेल है या फीमेल है? और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो कहेंगे आपको हटा दिया जाएगा क्योंकि आप उस जेंडर कैटेगराइजेशन में नहीं आते, तो नौकरी कहां से मिलेगी आपको? आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 वायलेट हुआ, 16 वायलेट हुआ, 14 वायलेट हुआ। इतने सारे फंडामेंटल राइट 1950 से 2014 तक वायलेट होते रहे। फाइनली 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि हर किसी को आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन का मतलब होता है टू एक्सप्रेस वंस जेंडर एज वेल, यानी हम अपने जेंडर को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फाइनली 2014 में 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज द फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस चूजन जेंडर, और वंस चूजन जेंडर के अंदर ट्रांसजेंडर्स को, जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, इसे थर्ड जेंडर माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस एलजीबीटी कम्युनिटी को आप बायोलॉजिकली डिटरमाइन ना करिए, कितनी बार बायोलॉजिकली सेक्स अलग होता है लेकिन जेंडर ओरिएंटेशन अलग हो सकता है, सेक्स ओरिएंटेशन अलग हो सकता है। तो जेंडर जो होना चाहिए ये सेल्फ डिटरमाइंड होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन टू चूज योर जेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि द सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर इज अ पार्ट ऑफ लिबर्टी एंड ऑटोनोमी अंडर आर्टिकल 21। तो इनके अगर एलजीबीटी कम्युनिटी को थर्ड जेंडर नहीं माना जाता था, कौन कौन से राइट वायलेट होते थे? 14, 15, 16। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हर किसी को अपना जेंडर एक्सप्रेस करने की भी फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 19। और यह भी कहा कि जेंडर जो है आपकी ऑटोनॉमी और लिबर्टी का हिस्सा है, आपकी आजादी का हिस्सा है, योर फेल्ट एक्सपीरियंस। अब भी अगर देखा जाए, अब मेन चीज यहां आती है, इनके अधिकारों की बात हुई और ये बात ये है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 2014 ही क्यों नालसा का जजमेंट आया। बात ये है, पूरे वर्ल्ड में एक मूवमेंट चल रहा था और पर्टिकुलरली क्रिश्चियन कम्युनिटी, जहाँ क्रिश्चियन देश है, जहाँ पर एलजीबीटी को कुछ समझा ही नहीं जाता, होमोसेक्सुअलिटी यानी सेम सेक्स से मैरिज करना वहाँ पे क्रिमिनल है, तो पूरे वर्ल्ड में एक मूवमेंट चल रहा था। तो यूनाइटेड नेशन ने एक असेंबली बुलाई और असेंबली बुलाई गई थी इंडोनेशिया के योग्यकर्ता, सिटी का नाम था योग्यकर्ता, जैसे जकार्ता है
वैसे ही यहां पर एक सिटी है जिसका नाम है योग्यकर्ता। तो यूनाइटेड नेशन ने कुछ सिद्धांत रखे यहां पर, उन सिद्धांतों को कहा गया योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स। इन योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स में यह कहा गया कि हमें सेक्सुअल माइनॉरिटीज भी होती हैं, जैसे धर्म के ऊपर माइनॉरिटी हो सकती है वैसे सेक्सुअल माइनॉरिटी भी होती है, और इन सेक्सुअल माइनॉरिटीज के कुछ राइट दुनिया की हर सरकार को प्रोटेक्ट करने हैं। और इसी योग्यकर्ता के प्रिंसिपल के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने नालसा का जजमेंट दिया। नालसा के जजमेंट में ट्रांसजेंडर को ऐसे थर्ड कम्युनिटी माना गया। फर्दर अगर आप देखें एक चीज और, साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो एलजीबीटी कम्युनिटी को लेकर जो राइट्स की बात करी और सरकार से कहा इनके लिए आप पार्लियामेंट से लॉ पास करो जिसके तहत इनके राइट्स प्रोटेक्ट रहे, क्योंकि लॉ होगा ना एक जिसके ऊपर इनके राइट्स प्रोटेक्ट रहेंगे। तो सरकार ने यानी पर्टिकुलरली नेशनल यूनियन गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पारित किया। ये लॉ है जिसके कारण इनके राइट प्रोटेक्ट रहते हैं। अब इस ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट में क्या था, एक तो बात ये हो गई ये थी कि इन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, और कौन सा रिजर्वेशन मिलेगा, ओबीसी के अंदर, इन्हें भी अदर बैकवर्ड क्लासेस में रखा जाएगा, जो कि अभी केंद्र सरकार उसके लिए रेडी नहीं है, लेकिन इसमें रिजर्वेशन की बात करी गई। फिर बात यह हुई कि रिजर्वेशन सरकार ने से पूछा गया रिजर्वेशन लागू क्यों नहीं करा अभी तक, तो सरकार ने कहा कि कोई भी आदमी इसका मिसयूज कर सकता है। मिसयूज का मतलब कोई भी आदमी ट्रांसजेंडर नहीं भी हो तो अपने आप को ट्रांसजेंडर बताकर ओबीसी सर्टिफिकेट ले सकता है। तो लोगों ने कहा भाई ये भारत का समाज है, यहां पर ट्रांसजेंडर खुद को बताना इतना आसान, और ऐसी कौन सी पॉलिसी है इंडिया में, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है इंडिया में जिसमें 400 BC नहीं होती है, ऐसा कौन सा है, LPG के सिलेंडर में नहीं होती, केरोसिन के ऑयल में नहीं होती, BPL कार्ड में नहीं होती, मनरेगा का पैसा नहीं खाया जाता, ऐसी कौन सी पॉलिसी है। फर्दर कोर्ट ने कहा था अपने जजमेंट में, नालसा डिसीजन में, कि जो जेंडर रिकॉग्निशन होगा वो सेल्फ जेंडर रिकॉग्निशन होगा, सेल्फ हो सकता है, यानी आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन आप बताओगे किसकी तरफ है, सेल्फ होता है। लेकिन इस एक्ट में जो सरकार एक्ट लेके आई उसमें ये बिल्कुल पैराडाइम ही उल्टा कर दिया। सरकार ने कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट देगा। अब पता नहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेक्स कैसे डिटरमाइन करता है, मुझे ये नहीं समझ में आया। खैर तो सरकार ने कहा मेडिकल है ना, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल, वहां से मेडिकल बना के लेके आएंगे। तो लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के राइट्स होल्डर ने कहा, ट्रांसजेंडर होल्डर के राइट्स कम्युनिटी ने कहा कि भाई सेक्स तो उसका जन्म से ही डिटरमाइन था, उसकी खुद की सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है, तभी तो वो राइट्स की बात कर रहा है, तभी तो अपने आप को ट्रांसजेंडर कह रहा है। अगर ये बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होती सारी बात ही खत्म थी। तो इट शुड बी सेल्फ सर्टिफिकेशन, क्या होना चाहिए, सेल्फ सर्टिफिकेशन। लेकिन सरकार ने कहा ना ना, DM देगा सर्टिफिकेट, जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट देता है, EWS का सर्टिफिकेट देता है तहसीलदार, ऐसी कौन देगा, पटवारी जाके पता लगाएगा। तो दिस इज ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन, और नाम भी रखा ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। चलिए तो दिस इज योर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। दूसरी चीज, अब एक बात यह है कि कल ही आया है, कल ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। आप अगर देखेंगे 18 तारीख को आया है, आज कितनी तारीख है, 19 है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक्सप्लेन पेज है हिंदू का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेम सेक्स मैरिज पर
डिसीजन लेने का अधिकार पार्लियामेंट को है ना। ये वो बात होती है अपनी, जब कोई कंट्रोवर्शियल टास्क हो डाल दो किसी और पर। अब बात ये है, अगर किसी कम्युनिटी के राइट अधिकार वायलेटेड है, मान लो तो अधिकार वायलेटेड हैं और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट इज आल्सो मींस राइट टू मैरी। और जब आपने ऐसे कहा है तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि ट्रांसजेंडर की शादी होने में जो डिसीजन लेगा वो पार्लियामेंट लेगा, वाई नॉट यू, जब आपने ही कहा है कि 21 के अंदर राइट टू मैरी का अधिकार भी आता है, नहीं कहा है तो वाई नॉट दिस। तो बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी चार जजमेंट्स थी, इसमें चीफ जस्टिस चंद्रचूर भी थे, और इसमें डिसीजन ये आया कि राइट टू मैरी में जो डिसीजन लेने का अधिकार है वो पार्लियामेंट का है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि बहुत सारे पर्सनल लॉज हैं उसे अमेंड करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग हिंदू मैरिज एक्ट, इंक्लूडिंग सरिया एक्ट 1937, इंक्लूडिंग क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट जिसमें कोर्ट मैरिज होती है, स्पेशल मैरिज एक्ट कोर्ट मैरिज उसी के थ्रू होती है ना, ठीक है। तो इन सब का क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट, इसलिए ये पार्लियामेंट करेगी। अब बात ये है तो दो ट्रांसजेंडर अभी शादी नहीं कर सकते ऐसा सुनाओ, तो देखा जाए हमने उनको कुछ अधिकार, पर्सनल अधिकार तो दे दिए लेकिन सोशल अधिकार अभी नहीं दिए हैं ट्रांसजेंडर्स को, जैसे राइट टू मैरी एंड राइट टू एडॉप्ट सोशल अधिकार है ना, कि मैं समाज में रहता हूं तो मेरी कम्युनिटी भी आगे बढ़े, सोशल अधिकार है मेरा। तो पर्सनल अधिकार की तो बात करी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अभी तक जो सोशल अधिकार है, सोशल राइट्स है, इट इज नॉट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। एक क्वेश्चन और आया कि भाई एक ट्रांसजेंडर और सिसजेंडर, मतलब सिसजेंडर का मतलब होता है आप और मेरे जैसे लोग, मेल और फीमेल में जो कैटेगराइज्ड हैं फॉर्म पे जो लिखते हो उसे सिसजेंडर कहते हैं। एक क्वेश्चन आया दो ट्रांसजेंडर आपस में शादी नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांसजेंडर और सिसजेंडर कर सकते हैं क्या? तो मद्रास हाई कोर्ट ने 2019 में कहा था वेरी मच, मैरिज बिटवीन अ ट्रांसजेंडर एंड सिसजेंडर इज अलाउड। समझ में आया, दे आर अलाउड, नॉट बिटवीन द ट्रांसजेंडर एंड ट्रांसजेंडर। चलिए एक चीज और इसे कह के खत्म करते हैं आज का ये लेक्चर, एक चीज और, आर्टिकल सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, ठीक, बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है ये 377 ऑफ आईपीसी, और आपको यकीन होगा कि ये 377 जो है 2018 तक चला है। अब इसके पीछे थोड़ी कहानी सुनते हैं, 377 क्या कहता है आईपीसी का, खैरी आईपीसी सारी फ्रॉड है, प्रेजेंट गवर्नमेंट इन डिस्पेंसेशन जो है वो इस पूरी आईसीसी को ही चेंज कर रही है, आईपीसी को ही चेंज कर रही है। तो आईपीसी में एक धारा है 370 जो कहती है कि कार्डिनल नेचर के अगेंस्ट अगर सेक्स हो तो वो क्रिमिनल है। पहली बात तो दो पर्सनल के लोगों के बीच में क्या हो रहा है उसे आप कैसे देख सकते हो, वो नेचर के विरुद्ध है या नेचर के साथ है, और इसे प्रूव करने के लिए लोगों के घर में घुसोगे क्या, कैसे कोई बताएगा कार्डिनल नेचर के अगेंस्ट है या नहीं है। कार्डिनल नेचर के ऐसे मान ली ट्रांसजेंडर शादी, वो भी कार्डिनल नेचर के अगेंस्ट मानता क्रिश्चियनिटी नॉट हिंदुज्म, हमारे यहां तो अर्धनारीश्वर अवतार है तो हिंदुज्म तो ये गलत मानता ही नहीं है। हम भी अगर देखा होगा तो लोग कहते हैं इनकी बद्दुआ मत लो, ये मत करो और वो मत करो, कितनी बातें करते हैं ना ये सब, तो हमारे यहां तो अवतार है ये। अच्छा कुछ गधों की बात छोड़ दो, इनकी बुद्धि में कमी है, जिन्होंने कभी अपने ग्रंथ नहीं पढ़े, ठीक है, जो सुनी सुनाई व्हाट्सएप फॉरवर्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं उनकी बात छोड़ो आप, मैं पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ, लिबरल कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, लिबरल में भी जो अपने इतिहास को अपनी संस्कृति को पहचानते हैं
उनकी बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो कभी खत्म खराब ही नहीं माना गया है, कभी गलत ही नहीं माना गया है, ये तो क्रिश्चियनिटी है। क्या मैरिजेस नहीं होनी चाहिए? क्यों हिंदू क्यों नहीं रहे हैं ट्रांसजेंडर? हम महाभारत से लेकर आप कोई भी देखिए, कोई भी ग्रंथ देखिए, अभी उसकी बात नहीं करते हैं। बात ये है, अगर मान लो तब मैरिज नहीं होती थी तो जरूरी नहीं है आगे मैरिज नहीं हो सकती। उन्हें भी सोशल, आई थिंक सोशल राइट्स का प्रिविलेज है। इतने बच्चे अनाथालय में घूमते हैं, उनको प्रॉपर केयर नहीं मिलती, प्रॉपर खाना नहीं मिलता, वाई नॉट एडॉप्शन टू बी अलाउड टू डैम? वाई नॉट? अगर कोई बच्चे का रख रखाव अच्छा कर सकता है और इसके लिए पूरी अथॉरिटी एडॉप्टेशन को लेकर, कारा, कारा नाम सुना होगा आपने, पूरी अथॉरिटी है, तो वाई नॉट दिस वुड बी अलाउड? उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी डाइट मिलेगी, अच्छा भविष्य मिलेगा, अच्छी हेल्थ मिलेगी, वाई नॉट? नहीं तो 377 ये होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल बनाता है, यानी कोई भी सेक्स कार्डिनल नेचर के अगेंस्ट हुआ हो। अब पता नहीं कार्डिनल नेचर क्या होता है, ये अंग्रेजी जानते थे, ठीक है, लॉ नहीं जानता क्या होता है। फर्दर एक केस हुआ नाज फाउंडेशन का 2009 में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा 377 को नैरो डाउन कर दिया। क्या कर दिया? नैरो डाउन, यानी उसका जो नेचर है वो कम कर दिया, और कहा कहा कि अगर ट्रांसजेंडर, अगर ट्रांसजेंडर सेक्स कर रहे हैं तो ये कोई क्रिमिनल नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट क्रिमिनल। नैरो डाउन का मतलब ये है कि अगर ये माइनर के खिलाफ हुआ तो माना जाएगा 377, अगर मेजर है यानी अडल्ट है तो नहीं माना जाएगा, इसलिए इसे नैरो डाउन कहते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये आया 2009 के केस में, फिर इसी केस को 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया और कहा नहीं नहीं नहीं, गलती से डिसीजन हो गया था हाई कोर्ट का, होमोसेक्सुअलिटी इज क्रिमिनल। तो 2009 में बहुत सारे लोग होमोसेक्सुअल अपने आप को क्लेम करके बाहर आए, 2013 में इन्हें क्रिमिनल बना दिया, यानी 5 साल में जो लीगल था वो 5 साल बाद क्रिमिनल हो गया, समझ में आया। फिर दोबारा केस हुआ तो नवतेज जौहर केस में 2018 में, राइटली सो, सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी ऑल टुगेदर खत्म कर दिया, नैरो डाउन कर दिया, एंड इट बिकम डीक्रिमिनलाइज्ड। दिस इज योर एंटायर स्टोरी ऑफ होमोसेक्सुअलिटी एंड 377। आपको क्या लगता है? अब तो ये तो 377 खत्म ही हो गया, सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए? क्या